राव रतन सिंह की मृत्यु बाद सिसोदा गांव के अरि सिंह या अजय सिंह के पुत्र हमीर द्वारा 1326 में मालदेव के पुत्र बनवीर सिंह चौहान को परास्त कर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की तथा इन्हें इतिहास में वीर राजा व विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी। इनकी पत्नी का नाम सोंगरी तथा माता का नाम उर्मिला था। राणा हमीर के समय से ही मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा व महाराणा लगाने लगे। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों के बीच सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। वर्तमान में सिंगोली नामक स्थान उदयपुर में स्थित है। इस युद्ध के बाद राणा हमीर के दिन सामान्य रहे तथा 1364 में 50 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।